अभी के जो यूथ है तो ब्यूटी केयर की तरफ ज्यादा उनका रुझान जा रहा है कि हम लोग इंस्टाग्राम सौंदर्यकरण की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग फिल्टर्स की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आजकल हर किसी को अपने दाग धब्बे छुपाने हैं, हटाने नहीं है, छुपाने हैं। बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स का है। ये चीजों की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई है कि हम लोगों को ये तो पता लग गया है हमारी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, तो उसको डीएज करने के लिए हमें रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कोई अभी नहीं समझा पा रहा है कि वो रेटिनॉल इस्तेमाल कैसे करें। पेशेंट गूगल और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ज्यादा नॉलेजेबल समझता है अपने डॉक्टर के कंपैरिजन में। बहुत से पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमें रेटिनॉल लिख के दे दीजिए। यूट्यूब पर रील देखी थी कि रेटिनॉल एंटी एजिंग परफेक्ट, बेटा 20 साल की एज है तुम्हारी, तुम्हें स्ट्रेट अवे रेटिनॉल की तरफ नहीं जाना है, स्टार्ट योर स्किन रूटीन, पहले अपना स्किन रूटीन तो बनाओ। पेशेंट हमसे ज्यादा इंस्टाग्राम की रील्स पे यकीन करता है, डॉक्टर नहीं लिखना चाह रहा है, ओटीसी ब्रांड खरीदते हैं और वो ओटीसी ब्रांड तरीके से ना लगाने की वजह से स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम अलग से आने लगती है।